मेरी तरफ से जानी इन्फो टीवी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शेयर करवाने वाला हूं मगरबी एशिया में वाकिया अरब सल्तनत के एक इस्लामी रियासत कवैत की। शेयर के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प और हैरान कन मालूमात भी फराहम करूंगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल जानी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी हुई घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि तमाम मालूमती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। कुवैत, जिसका मुकम्मल नाम दौलतुल कुवैत है, 17,818 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ यह मुल्क रकबे के एतबार से पूरी दुनिया में 152वें नंबर पर शुमार होता है। 6 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क 48,48,395 अफराद की आबादी के साथ पूरी दुनिया में 140वें नंबर पर शुमार होता है। आपके इलम में मजीद इजाफे के लिए बताता चलूँ की 43 लाख की आबादी में सिर्फ 28 से 30% ही कुवैत के असली रिहायशी हैं, जबकि बाकी 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि 43 लाख में से सिर्फ 13 लाख ही कुवैत के असली रिहायशी हैं, जबकि 29 लाख लोग दुनिया के अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। कुवैत के अगर महले वकू की बात की जाए तो कुवैत के शुमाल मगरिब में इराक, जुनूब में सऊदी अरब और मशरिक में खलीज फारस वाक़ है। कुवैत सिटी को कुवैत का दारुलहुकूमत होने के साथ साथ कुवैत का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। कुवैत के लोगों का मजहब इस्लाम है, जबकि बाहर से आने वाले 64% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, जबकि बाकी 26% हिंदू, ईसाई और बुद्ध मजहब के मानने वाले हैं। कुवैत में रमजान के महीने में पब्लिक प्लेस पर खाना पीना, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना और डांस करना सख्ती से ममनू है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कानून लागू हैं। इसके अलावा कुवैत में शराब पीने और बेचने पर पाबंदी आयद है। कुवैत सबसे ज्यादा तेल के जखायर रखने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ की 95% से ज्यादा की इनकम को तेल से ही हासिल किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 अरब टन के लगभग तेल के जखायर मौजूद हैं, जो कि दुनिया के कुल जखायर का 15% बनता है। ऊंट कुवैत का कौमी जानवर है और ऊंट की रेस कुवैत में शौक से देखी और खेली जाती है। फुटबॉल कुवैत का कौमी खेल, जबकि बास कुवैत का कौमी परिंदा है। कुवैत में कुदरती पानी का कोई भी जखीरा मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समुद्री पानी को फिल्टर कर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। कुवैत में दुनिया का 23वें नंबर का बुलंद तरीन टावर भी मौजूद है, जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे और 80 फ्लोर वाले इस टावर की लंबाई 414 मीटर है। कुवैत के शहरी बहुत बड़ी तादाद में अवामी और सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, जबकि दूसरे ममालिक से आने वाले 80% लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी ही करते हैं। कहने का मकसद ये है कि कुवैत की सरकारी नौकरियाँ सिर्फ कुवैत के लोगों को ही दी जाती हैं। कुवैत में 141 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 100 औरतें ही पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि औरतों के मुकाबले में मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कुवैत में छोटी गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये कहना भी बेजाना होगा कि कुवैत के हर अफराद के पास अपनी गाड़ी है। अप्रैल 2006 में पहली बार कुवैती ख्वातीन ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि हुकूमत ने ख्वातीन के हकूक पर पाबंदी आयद कर दी थी। कुवैत के ज़्यादा रकबे पर रेगिस्तान है। समुंदर के किनारे और रेगिस्तान होने की वजह से कुवैत दुनिया का गर्म तरीन मुल्क है। यहाँ पर गर्मियों का दर्जा हरारत 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कुवैत की करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है। इनका एक दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 543 रुपयों के बराबर है। इन सब के साथ साथ दुनिया का महंगा तरीन करेंसी नोट भी कहा जाता है। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। अरबी कुवैत की कौमी और सरकारी जुबान है, जबकि दीगर ममालिक से कामकाज की घर से आने वाले लोग अपनी जुबानों का भी इस्तेमाल करते हैं। कुवैत के लोगों की औसतन उम्र 78 साल है। कुवैत का कॉलिंग कोड +965 है। कुवैत का डोमेन नेम KW है। दोस्तों, ये थी दिलचस्प हकायक पर मबनी एक तफसीली वीडियो। मैं जानता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी पसंदगी का इजहार करते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें और अपने इस दोस्त को अगली वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह निगेबान।